हे दोस्तों, तो यहाँ फाइनली वीवो अपना IQOO नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, पिछले बहुत दिनों से वीवो अपने IQOO को टीज कर रहा था कि IQOO नया स्मार्टफोन आने वाला है या फिर IQOO एक नया सब ब्रांड आने वाला है। लेकिन आज फाइनली वीवो ने इस IQOO के नियो वर्जन को टीज कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वीवो ने एक नया चाइना में पोस्टर रिलीज किया है जो कि एक प्रमोशनल पोस्टर है। इसमें आपको IQOO नियो करके एक फोन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो फोन होने वाला है ये IQOO सीरीज के अंदर आएगा या फिर हो सकता है IQOO एक नया सब ब्रांड हो, जैसे ओप्पो का रियलमी है, आपको Huawei का ऑनर सब ब्रांड है, आपको रेडमी का पोको फोन सब ब्रांड है। वैसे हो सकता है शायद वीवो का ये IQOO एक नया सब ब्रांड हो या फिर IQOO एक नई सीरीज हो जिसके अंदर कुछ हमें बढ़िया फोन देखने को मिले, प्रीमियम कैटेगरी के मिड रेंज में हमें बढ़िया फोन देखने को मिले। तो इसके अंदर आपको पहला फोन साइज जो दिखाई देने वाला है वो IQOO नियो दिखाई देगा। अभी फोन इंडिया में भी आएगा कि नहीं आएगा अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो पोस्टर है ये चाइना में रिलीज किया गया है अपने वीवो अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस फोन को तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ आपको बड़ी डिस्प्ले के साथ ये फोन आने वाला है। पीछे में दिखाई दे रहा है कि आपको ट्रिपल रियर कैमरा हो सकता है, और पीछे में आप अगर ध्यान देंगे तो आपको कहीं भी फिंगरप्रिंट स्कैनर के लिए जगह नहीं दिखाई दी। इसका मतलब ये है कि इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है। वैसे इस पोस्टर के अलावा कंपनी ने अभी कुछ भी रिवील नहीं किया है, लेकिन पिछले दिनों 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर से कुछ रिपोर्ट्स या फिर कहें तो कुछ लीक्स निकल के आई थी जो भी शायद वीवो का IQOO की रिपोर्ट थी। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो फोन आने वाला है इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, यानी कि एक प्रीमियम कैटेगरी का प्रोसेसर इस फोन में आपको देखने को मिलेगा। इस हिसाब से फोन की अगर हम प्राइसिंग का अंदाजा लगाएं तो 20,000 से ऊपर का डेफिनेटली ये फोन होने वाला है। इससे जुड़ी हुई अभी तक ज्यादा डिटेल हमारे पास बिल्कुल भी नहीं आई है, और जैसे ही हमारे पास कुछ नई डिटेल आएगी तो आपके साथ सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन IQOO नियो जो कि एक नया फोन आने वाला है, इसके लिए यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन अगर हम बात करें तो आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर ये फोन शायद आपको लॉन्च होता हुआ दिखेगा। ज्यादा कुछ नहीं तो चाइना में तो डेफिनेटली फोन लॉन्च होता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ऐसे कुछ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज की सुनवाई, जय हिंद जय भारत।